हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई अपग्रेड नॉलेज में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने हाईवे इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपने ऑटो कैड को कैसे डाउनलोड करना है, अगर आपने उसकी भी वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एकदम विदाउट किसी लाइसेंस की के। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जॉर्ज स्टीफेंस सक्सीडेड इन रनिंग द फर्स्ट ट्रेन ऑन द वर्ल्ड। जो जॉर्ज स्टीवेंसन ने जो पहली ट्रेन चली थी वो वर्ल्ड में सबसे पहले किस सन में वो चली थी। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। ए नंबर ऑप्शन पे आपका दिया गया 1825 और बी में दिया गया 1835, सी में दिए गए आपको 1841 और डी में दिए गए आपको 1853। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1825 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज रन इन। जो हमारी इंडिया में हमारी पहली ट्रेन किस सन में चली थी? तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है आपको 1825, बी में दिया गया 1835, सी में दिया गया 1841 और डी में दिया गया 1853। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1853 में पहली ट्रेन हमारी इंडिया में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज रन बिटवीन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारी जो इंडिया में जो पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दिल्ली टू कोलकाता, बी में दिया गया दिल्ली टू मुंबई, सी में दिया गया मुंबई टू ठाणे और डी में दिया गया मुंबई टू कोलकाता। तो आपको इसका राइट आंसर पिक करना है। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई टू ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द रेलवे हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। जो हमारी जो रेलवे है वो कितने जोन में डिवाइडेड है? तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पिक करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑप्शन नंबर 6 जोन और बी में दिया गया है 8 जोन, सी में दिया गया है 12 जोन और डी में दिया गया है 16 जोन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ रेल नियर देयर टॉप्स इन नोन एज द ट्रैक। जो हमारी दोस्तों रेलवे ट्रैक होता है उसके दो जो हमारी डिस्टेंस होती है, दो ट्रैक जो हमारे रेल होते हैं उसके जो बीच की डिस्टेंस और उसके जो टॉप पोर्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्लियर विड्थ और बी में दिया है गेज। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको बोला जाता है गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, द रेलवे सिस्टम ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड अंडर ए सिग्नल मैनेजमेंट। जो हमारा दोस्तों इंडिया में जो रेलवे का जो सिस्टम है लॉन्गेस्ट, जो हमारे इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ल्ड सिस्टम है किसका? सिग्नल मैनेजमेंट का। वो किस नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है या सेकंड नंबर पे आता है या थर्ड में आता है या फोर्थ में आता है? तो किस नंबर पे आता है? तो हमारे जो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकंड नंबर पे आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है आपसे? 7 नंबर पे द ब्रॉड गेज इज वाइड, जो हमारा दोस्तों ब्रॉड गेज होता है वो उसकी विड्थ कितनी होती है, कितना चौड़ा होता है? तो ये इसकी ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 0.6096, बी में दिया गया है 0.762, सी में दिया गया 1 मीटर और डी में दिया गया 1.676 मीटर। तो क्या होगा इस 7 का राइट आंसर? आई होप इसका आपको आंसर मालूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.676 मीटर। आगे बात करते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 8। फॉर डेवलपमेंट एरिया द गेज इज एडॉप्टेड, जो हमारा डेवलपमेंट एरिया होता है दोस्तों वहाँ पर हम जो कौन सा गेज बनाते हैं रेलवे के लिए, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ब्रॉड गेज, बी में दिया गया मीटर गेज, सी में दिया गया नैरो गेज और डी में दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए आपको डेवलपमेंट एरिया के लिए कौन सा गेज एडॉप्ट करते हैं? तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए हम अडॉप्ट करते हैं मीटर गेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछता है फॉर हिली एरिया एंड टिली पॉपुलेटेड एरियाज नैरो गेज इज अडॉप्टेड। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो हिली एरिया होती है और जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस एरिया पे क्या हम नैरो गेज एडॉप्ट करते हैं या नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ट्रू या फॉल्स, तो आपको पिक करना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यस ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जब हमारा जो हिली एरिया होता है वहाँ पे हम नैरो गेज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द विथ ऑफ नैरो गेज इज सेम एज दैट ऑफ मीटर गेज। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो विथ होती है, चौड़ाई होती है नैरो गेज की, वो क्या सेम होती है मीटर गेज की? जितना मीटर गेज होता है क्या उतना ही नैरो गेज होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको, राइट या रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। 11 में आपसे पूछा जा रहा है इन इंडिया फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक द मैक्सिमम हाइट ऑफ लोडेड गुड्स वैगन इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों आपको पता होगा वैगन किसको बोलते हैं, जो हमारे रेल के डिब्बे होते हैं उसको बोलते हैं वैगन। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ब्रॉड गेज के लिए, जो हमारा ब्रॉड गेज ट्रैक होता है इंडिया में, तो उसकी तो जो गुड्स होता है, जो हमारा वैगन होता है, बोगी होती है गाड़ी की, उसमें जो सामान लोड करते हैं, जो हमारा सामान होता है उसको लोड करते हैं, कितने हाइट तक लोड करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए में दिए गए 3.40 मीटर, बी में दिया गया है 4.72 मीटर, सी में दिया गया है 5.32 मीटर और डी में दिया गया है 5.87 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.72 मीटर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, फॉर मीटर गेज हाइट विल बी 3.43 मीटर, जो हाइट ऑफ लोडेड गुड्स वैगन होगा किसके लिए? मीटर गेज के लिए 3.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द स्पीड
ऑफ ए लोकोमोटिव इन इंडिया ऑन ब्रॉड गेज इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो हमारे लोकोमोटिव होते हैं, जो रेलगाड़ियाँ होती हैं, जो इनकी स्पीड होती है, हमारे कहाँ इंडिया में किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए, तो जो इसकी स्पीड होती है कितनी रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 62 to 75 किलोमीटर पर आवर, बी में दिया गया 75 to 96 किलोमीटर पर आवर, सी में दिया गया 96 to 120 किलोमीटर पर आवर और डी में दिया गया है 120 to 140 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाए इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 96 to 120 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 में, द रेसिस्टेंस ऑफ द ट्रेन इज ड्यू टू, तो हमारा जो ट्रेन होती है किस पर रेजिस्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए स्पीड, बी में दिए ग्रेडियंट और सी दिए गए कर्व। तो किन किन बातों पर हमारा जो ट्रेन होती है वो रेसिस्टेंस करती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी बातें उस पर रेजिस्ट करती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, नाउ डेज रेल सेक्शन इज यूज्ड इंडियन रेलवे, तो जो दोस्तों हमारी जो इंडियन रेलवे है इन दिनों हमारी जो रेल का सेक्शन होता है वो कौन सा यूज करते हैं, कौन से टाइप का रेल सेक्शन यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से ऑप्शन नंबर ए है डबल हेडेड टाइप, बी में दिया गया है डम बेल टाइप और सी में दिया गया है बुल हेडेड टाइप और तीसरे में डी में दिया गया है फ्लैट फुटेड टाइप। तो कौन सा टाइप यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा हमारा बुल हेडेड टाइप ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द रेल सेक्शन फर्स्ट डिज़ाइन इन इंडिया रेलवे वॉज, जो हमारा रेल पहली बार जो रेल सेक्शन डिज़ाइन किया गया था वो कौन सा किया गया था। तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डबल, बी में दिया गया बुल हेडेड टाइप, सी में दिया गया फ्लैट फुटेड टाइप और डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डबल हेडेड टाइप, यहाँ पर दोस्तों डबल के आगे हो जाएगा हमारा हेडेड टाइप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमारे टॉप 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, परीक्षा में इनमें से कम 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम इसके वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।